हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करने वाले हम लोग मिनिमम रेंज में जो आपके बजट में आ जाएगा एलजी का फ्रिज, उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सारा फीचर्स बताएंगे, मॉडल कौन सा है, कितना प्राइस में आने वाला है, सारा कुछ बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया था, सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं, लुक काफ़ी अच्छा बनाया गया है एलजी की तरफ से। नया मॉडल आया हुआ है जो मिनिमम सेगमेंट का रहता है, मॉडल नया आया हुआ है जिसमें देख पा रहे हैं हैंडल दिया गया है, काफ़ी अच्छा दिया गया है जिसमें बीच में गैप करके अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है और इसमें लॉकिंग सिस्टम भी दिया गया है। तो मॉडल का बात कर ले फ्रेंड्स, तो जैसे कि देख पा रहे हैं GL B199 OBJB 2022, यानी लेटेस्ट मॉडल है ये। 2022 का सिंगल स्टार है जो कि कम प्राइस में आपको आएगा, तो वो सिंगल स्टार ही आएगा। ग्रॉस वॉल्यूम है जो कि अंदर से सारा फ्रिज का जो डब्बा है उसका वॉल्यूम है 190 लीटर का, और जितना आप सामान रख सकते हैं वो है 180 लीटर का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं वन स्टार है, तो आपका वन ईयर में ये जो यूनिट देख रहे हैं आप 245, वन ईयर में इतना कंज्यूम करेगा अगर आप एक दिन में 8 घंटा यूज करते हैं तब। तो फ्रेंड्स, इसमें नया फीचर्स ऐड किया गया है जो मिनिमम सेगमेंट का है, जो कि फास्ट इन आइस मेकिंग, मतलब बहुत ही जल्दी ये आइस बना देगा आपका। जो पानी अगर आइसक्रीम वगैरह डाल रहे हैं तो बहुत जल्दी आपका ये रेडी कर देगा। वर्क विदाउट स्टेबलाइजर, तो पहले के मॉडल का क्या होता था फ्रेंड्स, आपको स्टेबलाइजर लगाना बहुत ही ज़रूरी रहता था, लेकिन अब जो मॉडल आ रहे हैं सारे में आप किसी में भी आपको स्टेबलाइजर अलग से लगाने का ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे मेन ज़रूरी चीज़ की, बिल्ड क्वालिटी किस तरह से है, क्या क्या यूज किया गया है, मटेरियल सारा कुछ बताएंगे हम। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये काफ़ी अच्छा ग्लास फिनिशिंग दिया गया है, और ये प्लास्टिक का बना हुआ है, हैंडल भी प्लास्टिक का बना हुआ है, और बॉडी जो है स्टेनलेस स्टील का ही रहता है। और बैक में दिखाते हैं आप लोगों को, जाली काफ़ी मजबूत दिया गया है, इसी में जो है गैस पूरा दौड़ता है। अब अंदर खोल के देखते हैं कि क्या क्या लुक किस तरह से आ रहा है। तो देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा वाइट कलर में आपको काफ़ी अच्छा मॉडलिंग किया गया है नया फ्रिज में, और काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर्स मिल जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स, छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं आप छोटे छोटे सामान फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये चीज़ हमको बहुत ही अच्छा लगा, जैसे कि आप पहले नीचे ही बोतल रख पाते थे, लेकिन यहाँ दिया गया है कि आप ऊपर में भी बड़ा बोतल रख पाएंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं छोटा बोतल के लिए काफ़ी अच्छा है, और ये बड़ा बोतल यहाँ पे आ जाएगा आपका आसानी से, और काफ़ी मजबूत फाइबर का बनाया हुआ है ये, और साथ में आपको मिल जाता है यूजर मैनुअल, और ये की इसके साथ में मिल जाता है, और नीचे का भी काफ़ी हेवी बनाया गया है। तो ये साइड हमको काफ़ी अच्छा लगा, नया लेटेस्ट। पहले रहता था कि कुछ सामान रख अटता था, कुछ नहीं अट पाता था, अब सारा कुछ आपका आसानी से अट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स फ्रीजर की, तो यहाँ आपको लाइट भी मिल जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेन चीज़ है फ्रेंड्स कि अभी का नया लेटेस्ट फ्रिज में क्या किया गया है कि यहाँ हिंदी से भी लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते थे तो हिंदी में आ गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको यूज किस तरह से करना है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है विंटर के लिए दिया गया है, 1 से 3 में रखना है आपको ये ब्लैक पॉइंट को, और मानसून जो आता है बरसात में मतलब 3 से 5 में रखना है, और समर में 5 से 7 में रखना है कूलिंग के हिसाब से। सारा कुछ डिटेल्स यहाँ दिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ ब्लू कलर का बटन देख पा रहे हैं, ये डीप फ्रोस्ट के लिए है, जैसे कि आपका यहाँ फ्रीजर में सबसे ज़्यादा बर्फ़ जम चुका है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ इतना मोटा परत बैठ जाता है, तो क्या होगा कि ये सारा पाइप जाम हो जाएगा, जिसके वजह से आपका फ्रिज कूलिंग करना बंद कर देगा। जितना बर्फ़ रहेगा वही हिसाब से कूलिंग होगा, जो कि नॉर्मल कूलिंग ये आपको यहीं मिलेगा और नीचे में कूलिंग नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ये बटन को प्रेस करना है जो कि सारा बर्फ़ है उसको तोड़ देगा, और जो उसको वाटर में कन्वर्ट करके सारा पानी को नीचे जो टब, पीछे में टब दिया गया है उसमें ये ट्रांसफ़र कर देगा।
और दोबारा फिर से कूलिंग शुरू हो जाएगी। और नीचे में एक लैंप दिया गया है। अब अंदर देखते हैं तो जैसे कि देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा स्टोरेज दिया गया है फ्रीजर के लिए, और जो भी गैस है फ्रीजर का यहीं से आपका जो है सारा गैस इसी में दौड़ता है। तो इसमें आपको कभी भी कोई बड़ा बोतल वगैरह हो गया तो उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठेलना, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा तो आपका पूरा फ्रिज खराब हो सकता है। तो ये चीज़ को आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसमें कभी ज़्यादा बर्फ ना जमने दें और इसमें ज़्यादा बोतल या वजनदार चीज़ इसमें ना रखें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ट्रे का। तो ट्रे में तो लगभग फ्रेंड्स आपको जमने वाला जो भी चीज़ होता है, अगर आपको कम आइसक्रीम वगैरह रखना है तो इसमें आप आसानी से रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये फुल हो गया है तब नॉर्मल आपको कम ठंडा में चाहिए तो इसमें आप रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ट्रे दिया गया है दो आपको सेल्फ मिल जाते हैं यहाँ, और एक वेजिटेबल के लिए बॉक्स दिया गया है, और ऊपर में एक टफन ग्लास आ गया है फ्रेंड्स। तो ये आसानी से आप टफन ग्लास हटाइए और उसके बाद इसको निकाल सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा मॉडलिंग किया गया है फ्रिज को। पहले जो था वो काफ़ी कंजेस्टेड लगता था, लेकिन इसमें जगह भी ज़्यादा है, 190 लीटर का कैपेसिटी है इसमें। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसकी वारंटी की। तो 1 ईयर का प्रोडक्ट वारंटी आपको मिल जाता है, कहीं से भी अगर टूट जाता है या लीकेज वगैरह हो जाता है सारा कुछ के लिए आपको होम सर्विस मिलेगा। आप टोल फ्री नंबर में कॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका प्राइस का। तो इसका MRP है 16,599 रुपया। तो ये आपको आसानी से 14,500 रुपया में आसानी से मिल जाएगा। आप इसे ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से बाई कर सकते हैं आसानी से। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।